ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की प्रदोष, जो कि इस पर्व को, इस महीने को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आप किसी भी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो आपके धन की समस्या हो, आपके व्यापार की समस्या हो, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी नौकरी की समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस एक आपको ओम बनाना है और एक छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जब भी प्रदोष का दिन आता है, इस उपाय को मैं ज़रूर बताता हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन को याद भी होगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि ओम वाला है। कहोगे भैया इसको उपाय करने से बेनिफिट क्या है, तो फ़ायदा यही है, सारे कष्ट आपके ख़त्म होंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लाल चंदन, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लेना होगा लाल चंदन एक छोटी सी कटोरी में, ठीक है। लाल चंदन लेना और इसमें थोड़ा सा डाल देना पानी और इसको अच्छे तरीके से घिसना, अच्छे तरीके से मिक्स करना। जितना ज़्यादा घिसोगे उतना ज़्यादा इस चंदन का महत्व है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ले लेना थोड़ा सा कटोरी में चंदन और उसको लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। लेकिन शिवलिंग के पास जाने से पहले एक तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भर देना अपने घर से, ठीक है। लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, पहुंच करके फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। जो आपके पास में लाल चंदन की कटोरी है, उस लाल चंदन की कटोरी में से चंदन को निकालेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उस लाल चंदन से लेपन करेंगे, ठीक है। लेपन कर दिया, लेपन करने के बाद क्या करना होगा आपको, ये जो लाल चंदन का लेपन किया है, इस लाल चंदन को फिर से निकालना और उसी कटोरी में लाल चंदन को निकाल करके रख लेना, ठीक है। रख लिया और आप जो अपने साथ में एक तांबे का लोटा लेके आए हो अपने घर से, उस तांबे के लोटे से जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। अब ये जो चंदन वाली कटोरी है ना, इसको लेकर के उसी दिन कहां पे जाओगे, बेल पेड़ के नीचे जाना, ठीक है। और बेल पेड़ पर कहीं पर भी एक ओम का निर्माण आपको करना होगा उसी लाल चंदन से। अब ओम का निर्माण आप जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाओ, या फिर जैसे भी आप बनाते हो वैसे बना सकते हैं, ठीक है। ओम बना दिया आपने और उसके बाद इसी ओम के ऊपर एक बहुत ही सी सुंदर सी बेलपत्र को रखना और बेलपत्र के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके जो भी कष्ट हो आपके जीवन के वो कह देना, जो भी मांगना हो महादेव से वो कह देना। ये ओम बनाने वाला उपाय जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि होगी, एकादशी हो गया, कर देता है ना, उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर कर दे, ठीक है। समझ में ही बात मेरी। तो यहां पर हमने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, क्योंकि आज के टाइम पे हर घर में क्या है ना, बीमारी पहुंच चुकी है और हर इंसान चाहता है कि हमारे पास भले ही दो पैसे कम हो लेकिन हमारे घर का कोई भी इंसान बीमार ना हो। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है ना, तो नीचे कमेंट में सही बताइएगा कि हाँ आप सही कह रहे हो, हम यही चाहते हैं कि भले ही हमारे पास दो पैसे कम हो लेकिन बीमारी हमारे घर में ना हो, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है कुश का फूल, है ना। कहोगे भैया अजीब अजीब उपाय लेके आते हो, कहाँ मिलेगा कुश का फूल, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कल मैंने देखा तभी आज मैं ये उपाय बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, किसी भी बड़े महादेव के मंदिर जाना, जहाँ पर आसपास लोग फूल पत्ती बेचते हों, उनसे कहना भैया हमें कुश का फूल चाहिए, आराम से ईजिली आपको दे देंगे, सावन में तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, मिल जाएगा आपको कुश का फूल, ठीक है। कुश का फूल ज़्यादा नहीं, मात्र दो कुश का फूल लेना, ठीक है। ले लिया, एक तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में जल भर लेना, कहाँ से, अपने घर से, जो दो कुश का फूल है ना वो डाल देना। देखो उपाय करने का मजा तभी आता है ना, जब कोई चीज़ डिफिकल्ट हो, मिल ना रही हो ना, उसको हम खोजें और खोजने के बाद जब वो मिलता है चीज़ ना, तो उपाय करने का बहुत मजा आता है। तो खोजना जरूर इस उपाय को करने के लिए कुश का फूल, ठीक है। दो कुश का फूल इस तांबे के लोटे में डालना और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक इस कुश के फूल को इसी में पड़े रहने देना, ठीक है। और इस कलश को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो दो कुश के फूल आपने अपने तांबे के लोटे में डाल रखे हैं ना, उन दो कुश के फूलों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और जो
फूल वाला भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। और उसके बाद इसी के कुश के फूल के ऊपर तांबे के लोटे वाला जो जल है वह समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो इस कुश के फूल वाला जो जल होगा इसको यहाँ पे रोक लेना, ठीक है। रोकने के बाद क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसको दवा असर नहीं करती है, बहुत मेडिसिन खाता है, उसको आपको 3 बार आचमन करा देना है, पूरे दिन में कभी भी 3 बार आचमन करा देना, उसकी जो बीमारियाँ होंगी वो धीरे 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 करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर है, खासकर जिनको किडनी लीवर की समस्या हो वो लोग तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलो तो 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं। सब कुछ करके हार जा रहे हो, प्रदोष का व्रत रख लिया, मासिक शिवरात्रि रख लिया, है ना, पशुपति व्रत भी कर लिया, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस काम को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, है ना। अब इस बेलपत्र पर आपकी इच्छा हो तो कुछ लगा सकते हो, नहीं इच्छा हो तो कुछ मत लगाओ, लेकिन मैं कहूँगा चाहे तो लाल चंदन लगा लो, पीला चंदन लगा लो, शहद लगा लो, इत्र लगा लो, जो भी लगाना हो कुछ ना कुछ लगा लेना, ठीक है। और उस बेलपत्र को लेके पहुँच जाओगे बेल पेड़ के नीचे। नियम समझना सबसे पहले इस उपाय का, बेल पेड़ के नीचे पहुँचना, ठीक है, वहाँ पर बैठ जाना, और वहीं पर बेल पेड़ की जड़ में आपको क्या करना है, उस एक बेल पत्र को रखना होगा, मंत्र बोलना होगा नमः शिवाय, यहाँ पर ओम नहीं बोलना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, क्या बोलना है आपको, नमः शिवाय वहाँ पर बोलना होगा, ठीक है। उस बेल पत्र को रखिएगा, अपना दाहिना हाथ रखेंगे, अपने जितने भी कष्ट होंगे वो कहेंगे, ठीक है। कहने के बाद उस बेल पत्र को फिर से यहाँ से उठाएंगे और ले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा बोल रहा हूँ, जो एक बेलपत्र लेकर के आए हो महा मतलब बेल पेड़ के नीचे से, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। यहाँ पर भी आपको ओम नहीं बोलना है, बोलना होगा नमः शिवाय, क्या बोलोगे, नमः शिवाय। इस तरीके से जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी इच्छाएँ महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। अगर आप लोग में से किसी को मेरी आवाज़ कम लग रही हो कि हाँ भैया वॉइस आपकी थोड़ी कम है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन बताना, फिर मैं वीडियो बनाते टाइम माइक का यूज़ किया करूँगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बाकी अगर आपको कम लगेगी मेरी आवाज़ तो मैं माइक का इस्तेमाल किया करूँगा, ठीक है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना भैया आवाज़ अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो इस उपाय को करके देखिएगा, आपके सारे कष्ट, सारे जीवन की जो भी दुविधाएं होंगी वो खत्म ज़रूर होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने चौथे उपाय यानी कि आखिरी उपाय। आखिरी उपाय क्या है, जब भी प्रदोष का दिन आता है ये मैं आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ, क्या करना होगा, ये भी उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। अब बेलपत्र कितनी लोगे, आपको लेनी है 5 बेलपत्र। कितनी, 5 बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर से लेना। साथ ही साथ लेना होगा चावल के दाने। अब यहाँ पर जो चावल के दाने लोगे वो 7 चावल के दाने लेना, खड़े खड़े, टूटे हुए ना हो, खड़े चावल के दाने लेना। और इसको साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में जल भर लेना, कहाँ से, अपने घर से, जो 5 बेलपत्र है वो डालना, जो 7 चावल के दाने हैं वो भी इसके अंदर डाल देना, है ना। इस कलश को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, लेकिन सॉरी इस उपाय को आपको शाम के टाइम पे ही करना है प्रदोष काल में। थोड़ा सा नियम समझेंगे, जब आप उस कलश को उठाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक घी का दिया लंबी बत्ती का, कहाँ पर, घी का दिया लंबी बत्ती का अपने घर की चौखट पर लगा देना, पहला काम तो ये। उसके बाद इस कलश को उठाना, चप्पल पहन के मत जाना मंदिर, पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, ठीक है। पूरा का पूरा जो कलश का जल है महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद महादेव का जो चौखट होता है ना, उस चौखट पे बैठना। यहाँ पर एक नियम है मंत्र को बोलने का, अगर इस उपाय को कोई पुरुष कर रहा है, कोई लड़का कर रहा है, तो आपको बोलना होगा ओम नमः शिवाय, क्या बोलोगे, ओम नमः शिवाय। लेकिन इस उपाय को अगर कोई स्त्री कर रही है तो आपको सिर्फ बोलना होगा नमः शिवाय, आपको फिर ओम नहीं बोलना, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर इस उपाय को हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी साथ में कर रहे हैं तो आपको फिर बोलना होगा ओम नमः शिवाय, समझ में आई बात मेरी। अगर कोई पुरुष अकेले कर रहा है तो ओम नमः शिवाय, अगर कोई स्त्री अकेले कर रही है तो नमः शिवाय, अगर पति पत्नी साथ में कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का स्मरण 2 मिनट
मिनट तक महादेव के शिवलिंग के चौखट पे ही बैठ करके आपको कर लेना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करता है उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और महादेव उससे बहुत खुश होते हैं। कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में चार उपाय बहुत ही प्यारे बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।